उपायुक्त कार्यालय मंडी के सुगम केंद्र में वेपन लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसके चलते उम्रदराज सीनियर सिटीजन को भी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है और लाइसेंस नवीनीकरण के लिए काफी इंतजार करना पड़ रहा है। सीनियर सिटीजन का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया के चलते लोग लाइसेंस का नवीनीकरण समय पर नहीं करवा पाए, जिसके चलते अब लाइसेंस नवीनीकरण के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है और बुजुर्गों को लाइसेंस नवीनीकरण के लिए काफी इंतजार और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि भीड़ को कम करने के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए कुछ समय के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। लोगों ने वो आंसर रिलीज करवाई तो अब इसको यहाँ भगदड़ मच गई, अब काउंटर को बुला रहे थे, कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सिस्टम को है वो भी कहीं कहां जाओ पंचायत से कहीं थाने में और कल फिर लाने। वहीं एडीएम मंडी राजीव कुमार ने कहा कि सीनियर सिटीजन की सुविधा के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था की जाएगी ताकि बुजुर्गों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि लाइसेंस धारक तहसीलदार व उपायुक्त कार्यालय में सुप्रिटेंडेंट ग्रेड 2 से इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के फायर आर्म्स जो है उनका उनके जो लाइसेंस है उनको रिन्यू किया जा रहा है, जैसे कि आपने भी बताया और हमारे ध्यान में भी है कि काउंटर पर सुगम सेंटर में काफ़ी रश है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो साल के आखिरी महीने होते हैं नवंबर दिसंबर, उसमें काफ़ी सारे जो लाइसेंस हैं वो रिन्यूअल के लिए ड्यू होते हैं और चुनाव पर प्रक्रिया के चलते भी सारे के सारे जो फायर आर्म्स थे वो विभिन्न थानों में जमा थे और लोग जिनकी रिन्यूअल डेट थी उस दौरान वो रिन्यू नहीं कर पाए थे, तो उस वजह से ये रश है। और हम कोशिश करेंगे कि जैसे आपने बताया और हमारे ध्यान में भी है कि जो इसमें रिन्यूअल के लिए कुछ सीनियर सिटीजन्स और बुजुर्ग लोग आ रहे हैं तो उनकी सुविधा को देखते हुए हम एक अलग से सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अलग से काउंटर कल से चलाएंगे, उसकी व्यवस्था की करेंगे ताकि उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और जैसे कि गन इंस्पेक्शन की बात है तो या तो जो संबंधित गन लाइसेंस होल्डर है वो अपनी संबंधित तहसीलदार से उसको इंस्पेक्ट करा सकता है और अगर वो यहाँ गन लेके आता है तो यहाँ भी डीसी ऑफिस में भी हमारे जो सुप्रिटेंडेंट ग्रेड 2 हैं हमने उनको ऑथराइज किया है, वो वेपन्स को चेक करेंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा कि किसी को किसी तरह की इसमें रिन्यूअल के लिए असुविधा ना हो। थैंक यू सर। समस्या ऐसी है हमारे को, एक तो इलेक्शन का टाइम है, जमा हुई थी दो के सारी और वो तीन अब ये नहीं तीन दिन हुए हमारे को लिए हुए, तो तीन दिन से यही हमारे को रोना है कि तीन दिन हो गए हमारे को पब्लिक को दौड़े हुए, ऐसे ऐसे बूढ़े आए हैं जिनसे न बैठ सकते हैं न उठ सकते हैं, खड़े से भर सकते हैं लाइन पे, उनका कोई इंतजाम न बैठने का इंतजाम है अंदर। ये क्या सरकार का कोई ये रूल है? लोगों को बेवकूफ बना रहा है, हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है, ना जाए किससे आता है इनको जमा कर दिया जाए ले लिया जाए तभी अच्छी बात है। सवेरे से खड़े हैं हम, अब छुट्टी जहाँ इनसे धक्का मुक्की और लग रही है, कभी बोलते कहीं जाओ कभी बोलते कहीं जाओ, अब इन सैनिकों को क्या मालूम है कि कहाँ जाना है। हाँ ये तो बात है, चेकलिस्ट इसकी नहीं, चेकलिस्ट बन जाए इसकी, चेकलिस्ट के माध्यम से लोगों को इशू हो जाए कि क्या करना है, हमने कहा इंस्पेक्शन किसने करनी है इसकी और इसको फीस कहाँ जमा होनी है, किस काउंटर पे जमा होनी है, कोई भी जानकारी नहीं है। ओल्ड एज लोग हैं, धक्के खा रहे हैं और ओल्ड एज लोग के लिए बैठने का प्रावधान नहीं है, कोई भी सुनाई नहीं है, पुलिस ने बाहर निकाल दिया हमारे को, लाइन पे खड़ो लोग भगड़ जा रहे हैं। सरकार का कोई सवाल है कुछ नहीं देगा जवाब, आपके पास आउटसोर्सिंग का एक कर्मचारी है वो क्या काम करेगा, आपके यहाँ पर 200 आदमी लाइन में खड़े हैं और एक आदमी उनको डील कर रहा है, तो बात ऐसी भी जब पता है कि इतने लोग आ रहे हैं तो कम से कम मतलब वहाँ पे जो है मतलब प्रशासन को ये प्रॉब्लम करती है कि दो आदमी तीन काउंटर लगा लो आप, बिल्कुल ये गन जो है इलेक्शन के कारण जमा थी तो अब लास्ट डेट है तो आप फाइन पड़ेगा, तो लोगों ने भगदड़ मचा रखी है तो आप काउंटर बढ़ा दो, ये तो सबको पता है वो बिल्कुल अपना नाम इंद्र सिंह है। क्या परेशानी हो रही है? ये ऐसे रिन्यू कराना है ये लाइसेंस कारतूस का, कितने दिनों से आ रहे? तीन दिन हो गए सर कंटिन्यू और इतनी आदि अंदर बाहर बोलो ये